नगर निगम द्वारा राजघाट पर बने शवदाह पर साफ सफाई और मेंटेनेंस एवं पंडित के लिए 400 रुपये देना होगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि यह कोई पालिका शुल्क नहीं है, यह शुल्क साफ सफाई के लिए लिया जा रहा है, जिससे शवदाह पर साफ सफाई और पंडित की सुविधा उपलब्ध हो सके। नगर निगम के द्वारा घर से कचरा लेने के लिए 50 रुपये महीना शुल्क लिया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि शवदाह पर किसी गरीब व्यक्ति का शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनको निःशुल्क शवदाह करने दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि 400 रुपये के रसीद भी लोगों को दिया जा रहा है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उस व्यक्ति का यहाँ पर शवदाह हुआ है और भविष्य में उनके काम आ सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शवदाह पर तैनात कर्मी और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, किसका नंबर है? मृतक का नाम रागिनी गुप्ता, रागिनी देवी लिख ली है। 580 ग्रीन सिटी का लिखा हुआ बिलनपुर कत्ता लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस नगर का भैया। अरे सोनू का चाहे उसका कोई ये नहीं मिला, मोबाइल नंबर हम लोग ले ले रहे हैं, फोन करेंगे फिर आकर के लेंगे, रसीद हम दिखा भी दे रहे हैं आपको। किस प्रकार को देखिए 400 रुपया है बिल्कुल बिलंदपुर खंता जिला गोरखपुर। मोबाइल नंबर मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता। इन्होंने ये कहा कि 400 रुपये लिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, नगर निगम से जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है उसी का ये आधार है। मेरा नाम गोरखनाथ राय है सर, BPIS सुपरवाइजर। अभी यहाँ पे जितने क्या करने आ रहे हैं 400 रुपये लिया जा रहा है जी, जितने सवार हैं सर 400 रुपया लिया जा रहा है, रसीद का लिया जा रहा है। ये नगर निगम से सर जो मृत प्रमाण पत्र मिलने हैं उसके आधार है, ये रसीद है एक प्रकार से। जब यहाँ से ये नगर निगम रसीद यहाँ से लेकर जाएंगे नगर निगम में, इसी आधार पर इनका मृत प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। क्या ये उस रसीद पे नगर निगम लिखा है? हाँ सर बिल्कुल लिखा है, अभी आपको इसका साक्ष्य दिखा चुका हूँ मैं। उस पर 400 का चालान आता है लिखा हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हमको दिखा दे रहे हैं। ये सबसे पहली बात ये समझने योग्य है कि ये पालिका शुल्क नहीं है। जब तक हम किसी सफाई के लिए कोई शुल्क नहीं लगाएंगे, लोगों को सफाई का महत्व नहीं समझ में आएगा। इसलिए डोर टू डोर जहाँ कलेक्शन होता है वहाँ भी 50 रुपये पर मंथ गृह स्वामी से लिया जाता है, ताकि उनको सफाई का महत्व समझ में आए। इसी तरह जो हमारे शान गृह चल रहे हैं उसमें 400 रुपये की धनराशि रखी गई है, जो कि वहाँ साफ सफाई और जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा कराने के लिए पंडित जी की व्यवस्था, उसको शवदाह में फैसिलिटेट करने के लिए है। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है उसके पास पैसा नहीं है तो उसको श्मशान का उपयोग करने या शवदाह की क्रिया से रोका नहीं जाएगा। जो सक्षम है उनसे पैसा इसलिए लिया जाता है ताकि उसको हम साफ सुथरा रख सकें। क्या क्या फिर से प्रश्न दोहराइए? 400 रुपये के बदले जो लिया जाए मृत्यु प्रमाण पत्र, वो पर्ची दिखा के लिया जाए मृत्यु प्रमाण पत्र और पर्ची दिखा के लिया जाए शुल्क,
सर पर्ची के जरिए उम्मीद प्रमाण पत्र बना के दिया जाएगा, जो भी वहाँ पे सर पंजीकरण करवाएगा 400 रुपये में। नहीं नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र अलग बात है, वहाँ पर जब 400 रुपये लिया जा रहा है तो उन्हें एक रसीद दी जा रही है, वो रसीद फर्दर किसी काम आती है इस बात के प्रमाण के लिए कि वहाँ पर सौदा हुआ था तो दूसरी चीज़ है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ से जारी नहीं होता।